आज मौसम है सुहाना और दूर कहीं है जाना। हेलो लवली फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कहीं दूर, क्या आप हमारे साथ आना चाहोगे? तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं कोलिन पार्क में और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाय फोटो शो वे, एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो दे। आया सुहानिया, मुझे मिल गई है मेरी एक बहुत बड़ी सब्सक्राइबर। ये देखिए ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर, मेरी फ्रेंड। वो क्या हुआ कि अचानक हम लोगों का प्लान हो गया, आज संडे का दिन है और अचानक से सब लोगों ने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं। मेरी जो फ्रेंड है पोम्पी, वो गुवाहाटी से आई है और वो कल चली जाएगी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उसके जाने से पहले कुछ मस्ती कर लेते हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग बचपन के दोस्त हैं और हम लोग पहले बचपन में बड़ा मज़ा करते थे। तो सोचा कि चलो आज कहीं घूम आते हैं, तो इसीलिए हम आए हैं कॉलिन पार्क पे। और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, तो सब तरफ लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे लोग पानी के साथ मस्ती कर रहे हैं और हम इसका मज़ा उठा रहे हैं। यहाँ पे निरुपम दादा ईशु को झूला स्लाइड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईशु जो है उसको डर लगता है कि वो नहीं चढ़ना चाहता। कोशिश ये हो रही है कि ईशु को थोड़ा झूला झुलाया जाए, लेकिन ईशु को तो झूला झूलना ही नहीं है, उसे अपने पापा और चाचू को झूला झुलवाना है। और यहाँ पे भाभी जी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं आ रहा। और फिर हम दोनों दोस्त और मेरी प्यारी सुहानी, हम लोगों ने सोचा कि चलो झूला झूलते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था तब तो। अरे ये अचानक अनूप को क्या हो गया? बैठे बिठाए उसके दिमाग में अचानक से क्या सोचा कि वो अभी थोड़ी देर बाद चल पड़ा स्लाइड पे, स्लाइड चढ़ने, और उसे अपना बचपन वापस मिल गया। उसे खुशी देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी। और भाग लिया, शर्मा गया। और सुहानी प्यारी सी हंसी देती हुई। गए यहाँ पे, एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर है और यहाँ पे हम लोगों ने प्रणाम किया और दो चार फोटो खींच ली, जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुहानी को बड़ी सारी धूप लग रही थी इसलिए, और शर्म के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं सुहानी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, है ना सुहानी? कैसा लग रहा है ब्लॉग में आके बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, और आज हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती करने वाले हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ इसी पार्क के ऊपर रहेगा, तो आप लोग प्लीज अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। खेलते खिलाते हम तो थक ही गए। पोम्पी और भाभी ने चेयर पकड़ लिया और वो देखिए दूर से कौन आ रहा है, हमारे हीरो हीरालाल। ये ना लड़का हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है, ये देखो अभी भी चिढ़ा रहा है। ये लड़का कभी मेरे ब्लॉग में नहीं आना चाहता, इसलिए आज तो मैंने इसको पकड़ ही लिया, बोला कि आज तो मैं तुम्हें अपने ब्लॉग में ला के ही छोड़ूंगी। हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है मेरे ब्लॉग में। मजा कर रहे हैं हम लोग, और अगर आप आना चाहते हैं इस जगह पे तो ये रामनगर है सिलचर, और इस पार्क का नाम है एक्वालैंड पार्क। ये हम लोगों ने लगाया है इसका बैच। सुहानी तुम्हारा बैच कहाँ है, दिखाओ जरा।
ये हम लोगों का बैच है और ये मैं हूँ, ये सुहानी है और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्टी पार्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने झूला झूला और क्या क्या किया सुहानी? हम लोगों ने फोटो खींचा, झूला झूला, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और हमारा जो इशू है वो रहा पीछे, वो भी आने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है। और ये भाभी जी थोड़ी सी मेकअप करती हुई और सामने वीडियो शूट चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और ऊपर यहाँ पे उन लोगों ने बोतल से बड़ा सुंदर कुछ बना रखा है। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर बाद में निकल जाएंगे और फिर हम लोग चलते हैं ना। प्यारे नज़ारे, प्यारे लोग और प्यारी प्यारी मेमोरीज, इसी के साथ हम लोग अभी इस पार्क को कर रहे हैं अलविदा। और ये सामने बहुत ही सुंदर सनसेट होता हुआ और हम लोगों को लग गई है भूख, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं सामने कुछ खाने। तो आप ही चलिए हमारे साथ, इट्स टाइम टू गो। आइए आइए भाभी जी, आपको भी ले चलते हैं। और यहाँ सामने सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटो शूट। और भाभी जी आप भी आइए, अपने पतिदेव और देवर जी को लेकर एक फ़ोटो खींचिए। और ईशू साइड में खड़ा हुआ, तो सब लोग जा रहे हैं क्योंकि फीलिंग हंग्री। जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने और पता नहीं कैसा होगा, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए अंदर चलते हैं। सामने बहुत सारे बलून्स को देखकर हमारा ईशू इतना ज़्यादा खुश हो गया है कि पापा की बातें भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ईशू अपने खेल में अकेला अकेला ही मगन है। तो हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे आके कुछ ऑर्डर किया और ये आ गया हमारा यम्मी यम्मी खाना। गर्मियों का मौसम है तो इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बनते हैं। और यहाँ पे चाउमीन की तैयारी कर रहे हैं हमारे निरुपम भैया। तो ईशू पहले फ्रूटी खाना चाहता था लेकिन उसके बाद हमें वो मिला नहीं, तो इसीलिए भाभी जी ने समझा बुझा कर उसको थोड़ा सा चाउमीन खिला दिया, तो ये खाता हुआ प्यारा सा ईशू। आइए सब्सक्राइबर्स, हम भी खाते हैं और ये पहला बाइट आपके नाम पर। सो गाइस, ये था आज का हमारा एकोलैंड ब्लॉग। तो प्लीज़ आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा, उससे पहले सुहानी जो है वो यहाँ पे नहीं रहती, वो रहती है गुवाहाटी में, है ना। तो कल सुबह सुहानी यहाँ से चली जाएगी अपनी मम्मी के साथ और मैं उसको बहुत मिस करूँगी, है ना सुहानी। तो मैं सुहानी को बहुत मिस करूँगी दोस्तों। और आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। और सुहानी क्या करना है बताओ हमारे ब्लॉग को? लाइक, सब्सक्राइब। अब तो सुहानी ने भी बोल दिया है, अभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज दबा दीजिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, बाय बाय। पूरे दिन के खेल कूद में समय का पता ही नहीं चला कि कब दिन हुआ और कब रात हो गई। और हम लोग चलते बन रहे हैं अपने घर पे। पीछे मेरे पॉम्पी और सुहानी आ रहे हैं और उनके पीछे आ रहे हैं निरुपम भैया, ईशू और भाभी। और ये है अनुप, जिसकी मस्ती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसी के साथ हम चल रहे हैं अपने घर। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिन ढल गया, काश यहाँ आज मेरे साथ मेरी शोनी और मोनी भी होती।
मैं दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन आ जाएंगे और उसका भी वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। आप सब लोग बहुत खुश रहें, खुशियाँ आपके दरवाजे तक हमेशा पहुँचे उसके साथ। बाय बाय।